हेलो दोस्तों, लवली नू के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट है दोस्तों, ऐसी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो इसका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल से ही लवली इनू काफ़ी हाइप में है, काफ़ी ज़्यादा पंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1-0 इसने कल शाम को ही किल कर दिया था दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस में भी 6-0 देखने को मिल रहे हैं। अभी भी 13% से ज़्यादा का इसको इसमें पंप दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आज जो सबसे खास होने वाला है दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इनकी 1-1 ट्रिलियन की जो बर्निंग थी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि 25 फरवरी तक होने वाली थी दोस्तों, वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब आगे का जो इसका रास्ता है दोस्तों, जो इसका रोड मैप है, उसके बारे में हमें आज पता चल जाएगा दोस्तों। जो इनका AMA सेशन होने वाला है, जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 9:30 बजे आज रात को होने वाला है दोस्तों, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हमारी क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेरीज हैं, वो वहाँ पे सॉल्व होने वाली है दोस्तों। हमें पूरा क्लियर रोड दिखने वाला है, ये होप किया जा रहा है, यही मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या होगा आगे, लवली क्या करने वाली है लिस्टिंग्स के बारे में, या बर्निंग और होगी या नहीं होगी। क्योंकि 25 फरवरी कंप्लीट हो चुका है, अब इनका जो ये सिस्टम था जो बर्निंग्स का 1-1 ट्रिलियन का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट भी किया था अपने AMA के रिगार्डिंग, जिसमें दोस्तों ये करने वाले हैं क्वेरीज को जो सॉल्व करने वाले जो इनके इन्वेस्टर हैं, यानी कि हम ही लोग जो इसके होल्डर हैं लवली इनू के, उनकी क्वेरीज को ये सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इस AMA को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और अगर नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, अगर बिजी हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं AMA सेशन का पूरा जो कंक्लूजन है वो आपको उस पर एक वीडियो में दिखा दूंगा दोस्तों। जैसा कि आप अगली जो दोस्तों क्रिप्टो एक्सपो ने खुद से ट्वीट करते हुए 19 घंटे पहले ये बताया है कि लवली इनू गोल्ड स्पॉन्सर होने वाला है क्रिप्टो एक्सपो दुबई में, जो कि 16-17 मार्च को होने वाला है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं तो आपको क्लू मिला होगा दोस्तों, कुछ नई लिस्टिंग्स के रिगार्डिंग दुबई एक्सपो में अनाउंसमेंट होने वाली है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं फेज 5 कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे रहा है लवली इनू कॉइन, वहाँ पर जो उन्होंने लिखा हुआ था 5 to 6 बेस्ट एक्सचेंज पे लिस्टिंग्स, तो दोस्तों लिस्टिंग्स भी ये करने वाला है। तो दोस्तों $1 का सपना अभी भी मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें मैसिव रिटर्न है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें ये दे सकता है दोस्तों, क्योंकि अब इसने हाइप पकड़ ली है दोस्तों, अब ये बूम कर रहा है। 2 दिनों से लगातार मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, टेलीग्राम पे देख रहा हूँ, इसके होल्डर्स को भी इस पर काफ़ी विश्वास होने लग गया है, वापस से ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है दोस्तों। तो इसको होल्ड करके रखिए, काफ़ी लंबे समय से पता है मुझे आपने होल्ड किया हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही टाइम और है। और रही बात दोस्तों HYDS की, तो दोस्तों जैसा कि ये एक गेम खेल रहे हैं कि L-Bank पे ये स्टैकिंग वाला जो फीचर है वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं L-Bank पर। और जो इसका स्वैपिंग का इन्होंने कल ही ट्वीट किया था, सॉरी टेलीग्राम पे एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कल ही इन्होंने बताया था कि जो स्वैपिंग होने वाला है, जो HYDS का जो नया वर्जन आएगा, उसका स्वैपिंग सिर्फ और सिर्फ LA टोकन पर होने वाला है। तो दोस्तों ये इनका गेम है कि जो होल्डर है ज़्यादातर L-Bank पे आएंगे स्टैकिंग की वजह से, और फिर उनको स्वैपिंग के लिए LA टोकन पर आना पड़ सकता है, इसकी वजह से उनको ट्रांजैक्शन में फ़ीस ज़्यादा लगने वाली है दोस्तों। तो आपका काफ़ी अमाउंट तो फीस में ही चला जाएगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सब्र कीजिए दोस्तों, 1-2 दिन वेट कीजिए थोड़ा, अगर और कोई न्यूज़ आता है तो उसका वेट कीजिए, अदरवाइज़ आप अलग से उसको सेल करके LA टोकन पर इंडिविजुअली पर्सनली आप उसको अलग से बाय कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो। और अगर आपको दोस्तों फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे हिसाब से आपको 1-2 दिन वेट करना चाहिए, कोई अलग ये न्यूज़ भी दे सकते हैं कि किसी अदर एक्सचेंज पर भी स्वैपिंग होगा। तो HYDS को फिलहाल छोड़ते हैं, लेकिन लवली इनू के बारे में जो आज AMA सेशन होने वाला है उसको जरूर अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यही था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों। फिलहाल के लिए थैंक यू, मिलते हैं AMA सेशन में, थैंक यू।